पोखर इस नाम की स्कीम सरकार ने लॉन्च की है। कोई खुद अगर सामने आकर सिटी के अंदर जमीन को अगर डोनेट करना चाहे तो वहाँ पर घर बनाकर गरीबों को दिए जाएंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा ही होगा यार। अरे भाई, हमारे लिए जमीन देने के लिए कौन आएगा यार। नमस्ते। नमस्ते, कहिए। आपकी गवर्नमेंट ने सिटी में अगर कोई लैंड डोनेट करेगा तो वहां पर गरीबों को घर बना के देने का वादा किया है, वो स्कीम मुझे बहुत पसंद आई। शहर के बाहर गवर्नमेंट की जमीन है पर वहां घर बनाकर देंगे तो गरीब लोग वहां रहने नहीं जाएंगे, इसीलिए ये स्कीम लाई गई। लेकिन जमीन डोनेट करने के लिए कोई आया नहीं। मैं डोनेट करूंगा सर, हमारी बंजारा हिल्स में 10 एकड़ की खाली जमीन है। जमीन आपके नाम पर है? नहीं सर, ये जॉइंट प्रॉपर्टी है। मेरे बेटे, बहू, बेटियां, इन सब के प्रॉपर्टी से संबंधित सभी के दस्तखत के साथ मैं ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ सर। उन सब की भी इसमें रजामंदी है सर। शहर के दिल में है ये जमीन जो आप डोनेट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू लगभग 100 करोड़ में होगी, लेकिन आपके बड़े दिल के आगे इसकी वैल्यू बहुत छोटी है सर। इसे हम जरूर कंप्लीट करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। सिर्फ 1 घंटे पहले इस जमीन पर कदम रखने में गिल्टी फील होता था, लेकिन अभी गर्व फील हो रहा है। ले 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 ले। कौन है ये? इसके माँ बाप को मार डाला, ये बच गया तो उठा के ले आया। ओ लो 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 लो। तो आप क्या करें इसका? बच्चा है भाई, ये क्या करेगा, कहीं ले जाके फेंक देंगे इसको। छोटे सांप को भी बड़ी लाठी से मारना पड़ता है। यह जमीन मेरी है, इसके बारे में सवाल करने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं है। What the hell happened? There was a fight. Was it a gang fight? It was just one guy. He beat them all. He's still inside. Hands on your head. Did you beat up these guys yourself? Yes, sir. You are under arrest. Wait up, sir. No. He actually saved us. These are the guys harassing us.
Let me see some ID. Slowly. I thought all Indians were timid. Yeah, never saw one who could fight before. I guess you haven't met a real Indian before, officer. Hi, guys. Hi, bro. Hi. So, I'm breaking down the company financials into three categories. Category 1, 2, and 3. And I want to take your attention to the horizontal bar chart, where in the months of May, we're at 780, whereas the last financial year, we were at 120. So this year, there has been phenomenal growth. Now, at the end of this third quarter, we made 40% profits. Super, bhai! Kamal kar diya! Wah! Hi, that was good one. Come. Hi. Hi. Interesting. ये लड़की किसी अनजान बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए फंड्स रेज कर रही है. वेरी गुड इंटेंशन. नाइस. हम भी डोनेट करते हैं. माँ. हेलो माँ. अरे गौतम, इंडिया कब आ रहे हो? 3 महीनों से यही पूछ रही हो. इतनी बार पूछने के बाद तुम्हें बोर हो जाना चाहिए. यहाँ बहुत सारे रिश्ते देखकर रखे हैं. तुम आकर कोई लड़की पसंद करके शादी कर लो तो हमारी छुट्टी. तुम चाहे हॉलीडेज कहो या रिश्ते देखने हैं कहो, मैं नहीं आऊंगा. अगर कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन है तब आऊंगा. फिलहाल मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ. बाय माँ. अरे रे रे रे, शादी से जरूरी और क्या काम हो सकता है इसके लिए. बढ़िया था, तुमने कमाल का प्रेजेंटेशन दिया है. वो तो ठीक है यार, हम दोनों ने मिलकर ही किया है. हाँ, अच्छा तेरे फेसबुक पे मैंने एक लिंक शेयर की. हाँ, उस फाउंडेशन में $10 या $20 भेज. हाँ, दे. ऐसे काम पहले मुझे बताया कर भाई. कर दे यार. तूने कितना भेजा? $200. मिस्टर गौतम, द सीईओ वुड लाइक टू सी यू. आई एम वेरी हैप्पी विद दोस नंबर्स यू प्रेजेंटेड. कंपनी ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल, प्रॉफिट्स आर अप, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑल टाइम हाई. दैट्स बिकॉज ऑफ यू एंड योर हार्ड वर्क. थैंक यू सर. Therefore, I'd like to make you an offer. We would like to offer you a permanent position in this company with a very high salary, stock options, considering your position, and most importantly, I'd like to sponsor your American citizenship. तो तूने क्या बोला? Reject कर दिया. Reject कर दिया? हाँ. Hey. चल यार. Hey, 6 crore की सैलरी, कंपनी में शेयर्स, इन सब के अलावा अमेरिकन सिटीजनशिप, यार मना करने का जिगरा कहाँ से ले आया? मेरे भोले दोस्त, मुझे इस देश पर बहुत नाज है. मुझे इसने नौकरी दी, पैसा दिया, घर दिया, बहुत अच्छी लाइफ भी दी. लेकिन मैं यहाँ कभी सेटल नहीं हो सकता. यहाँ से पैसा कमाकर अपने शहर जाकर स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहा हूँ. खुशी खुशी 100 लोगों को नौकरी देकर सेटल होने की सोच रहा हूँ. हमारे देश के काम आने की सोच रहा हूँ. यही मेरा प्लान है. तू डिसअपॉइंट मत हो. चल. यहाँ के सिटीजनशिप के लिए लोग क्या क्या करते हैं तुझे पता नहीं है क्या भाई? मुझसे ज्यादा तो तू दुखी हो रहा है. चल. हैदराबाद में खरीदाबाद वर्ग के MLA ब्रह्मा रमन की अचानक मौत के कारण इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शन करवाने का निर्णय लिया है. पोलिंग इसी महीने की 20 तारीख को होना तय हुआ है. मैं इंडिया आ रहा हूँ माँ, बस 2-3 दिन में निकल जाऊंगा. ऐसा कौन सा जरूरी काम है? क्या कहा? वोट डालने के लिए जाएंगे. एक बार इंडिया जाके आने में कितना खर्च होगा पता है? 2,50,000. तेरी आधी तनख्वाह. क्यों जाना है? यहीं रहना. भाई तू ये कह क्या रहा है? ये तनख्वाह, ये लाइफस्टाइल, ये सब कुछ हमें किसने दिया है? अपने भारत देश ने ना. हम चाहे कितने भी जन्म क्यों ना ले, देश का कर्ज नहीं चुका पाएंगे. देश के नागरिक होने के नाते एक काम जरूर कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं.
वो हमारी मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई तेरी देशभक्ति बहुत बढ़ गई है, हजम नहीं होती। देशभक्ति का मतलब क्रिकेट मैच जीतकर सबको मिठाई बांटना, थिएटर में जाकर जनगणमन शुरू होने पर खड़े होना, ये देशभक्ति नहीं होती। हमारे देश की जनता खुश और संतुष्ट रहे उसके लिए जो हो सके वो करना, ये है देशभक्ति। इट्स माय ओपिनियन। हमारे देश की भलाई के लिए एक अच्छा नेता चाहिए और एक अच्छे नेता को पावर में लाने के लिए हम जैसे लोगों को वोट देना होगा, इसीलिए मैं जाकर वोट दूंगा। बहुत बढ़िया, बढ़े चलो। थैंक यू। इतना पड़ेगी तो चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा, ब्रेक ले लेगी तो फेल हो जाएगी क्या? आईआईटी की तैयारी कर रही हूँ, एक मिनट भी वेस्ट किया ना तो मार्क्स कम हो जाएंगे। बाप रे, ठीक है तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ, घर जाने के बाद याद दिलाना। अभी कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, शाम हो जाएगी। शाम हो जाएगी क्यों, अभी कहाँ जा रहे हैं? रिश्ता देखने। रिश्ता देखने, इतनी जल्दबाजी क्या? ए, तू इंडिया आया ही तो 10 दिनों के लिए है ना, वोट देकर चला जाएगा, उसके बाद तू मिलेगा क्या हमें, इसीलिए शादी करवा कर ही भेजेंगे। क्या माँ, मैं तो तैयार भी नहीं हुआ हूँ, ऐसे ही जाएंगे क्या? हाँ सर, मैं बस अभी पहुँचा हूँ सर, डोंट वरी सर। सर और कितना टाइम जाएगा सर? ए, इस गाड़ी को हटा पीछे, चलो हटा। अरे कोई बोलो यार। एक्सक्यूज मी, आप देख रहे हैं ना रोड पे कितनी सारी गाड़ियां रुक गई, वो देखिए पीछे एम्बुलेंस भी खड़ी है। ट्रैफिक जाम है ना? ये ट्रैफिक जाम नहीं है, एक्चुअली एक मिनिस्टर आने वाला है, उसके यहाँ आने तक हमें यही ऐसे ही रोड पर खड़े रह के वेट करना होगा। वैलिड पॉइंट है। काम सिर्फ उसे ही है क्या, हमें नहीं होता? आप जरा अपना जैकेट दीजिए, ट्रैफिक क्लियर करना है। जैकेट से कैसे? जल्दी दीजिए, बताती हूँ, फास्ट। ठीक है, थैंक यू। ए, देखो ना क्या जाम लगा रखा है। चलो ऑटो सब लोग चलो, काना चुपचाप खड़े रहो। मेरे पेट में 9 महीने का बच्चा है और आप मेरे पति हैं। सडनली पेन स्टार्ट हो गया, आपकी चिंता और मेरी चीख से उस ट्रैफिक वाले को कंफ्यूज करना है, ठीक है? हाँ। ओके, अब रास्ता क्लियर है सर, आप आ सकते हैं। आइए सर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, रास्ता एकदम क्लियर है, आ जाइए सर। मुझसे सहा नहीं जा रहा है, पता नहीं किस गधे ने ट्रैफिक जाम किया। हम उसी के पास खड़े हैं, जरा आराम। क्यों मैडम, बिना गाली दिए भी तो आप अपनी गाड़ी में जाकर बैठ सकती है ना। कार को क्या तुमने मैटरनिटी होम समझा है? सर, थोड़ा अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। देखिए मिनिस्टर साहब के आने का टाइम हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप चाहे तो मिनिस्टर को रोक सकते हैं, लेकिन आने वाले बच्चे को कैसे रोकेंगे? हाँ ये तो है, अगर कुछ हो गया ना तो तुझ पर मर्डर केस कर दूंगी। अरे बाप रे, महिला मंडल से बात करके तुझे नौकरी से निकलवा कर इसे सिग्नल पर भिखारी बना दूंगी, समझे? अरे बस कीजिए मैडम, वैसे आपकी कार है का? एम्बुलेंस के पीछे। रास्ता क्लियर करो। आओ आओ आओ, आराम से आराम से मैडम, आराम से। अरे संभालिए जरा, जल्दी कर जल्दी कर। अरे मैडम ऐसे नाचिए मत, नहीं तो डिलीवरी यही हो जाएगी। अरे यहाँ यहाँ जल्दी आओ। संभाल के संभाल के। इतनी जबरदस्त एक्टिंग। कैच कैच कैच, तुम्हारा नाम क्या? बाय बाय बाय। आप मेरे पति हो। पापा, अभी जो लड़की मिली वही पसंद आ गई, आप रिश्ता कैंसिल कीजिए, हम वापस चलते हैं। ए, जो लड़की देखने जा रहे हैं उसके फादर हाईकोर्ट में लॉयर हैं, नहीं जाएंगे तो हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर देंगे। हाँ। तो फिर एक काम करते हैं पापा, रिश्ता देखने जाते हैं पर हाँ। उन्हीं के मुंह से हमें लड़का पसंद नहीं ऐसा बुलवाएंगे। क्या? ओके। हाँ।
क्या हुआ जी? ये लोग ऐसे क्यों हंस रहे हैं? जाकर कम से कम कॉफी तो दे दो। कॉफी ले लीजिए। ओहो, सुबह सुबह दो पैग लगाए हैं, सब उतर जाएगी, इसकी जरूरत नहीं है। ये क्या है जी? ये फैमिली तो पूरी की पूरी टेढ़ी लग रही है। मेरी बेटी जितनी टेढ़ी है ना, उसके लिए ये फैमिली करेक्ट है। तुम जाकर बेटी को लेके आओ। इसी लड़की को देखने आ रहे, क्यों नहीं बताया? वो 30 फोटो देखी थी, इसका फेस याद नहीं था। हाय। हेलो। रिमेम्बर जैकेट? थैंक यू। वो ट्रैफिक जाम। बेटा चाहो तो तुम अकेले में बात कर सकते हो। तुमने ट्रैफिक में नाम बताया पर मुझे सुनाई नहीं दिया था। आई एम भावना। नाइस नेम। आई एम गौतम। मैं आपको पसंद आ गई? बहुत पसंद आई हो। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, मेरे घर वालों के प्रेशर से परेशान होके। ओह, मैं तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? आप सबको पसंद आओगे, पर मुझे ये शादी नहीं करनी। एनी पर्टिकुलर रीजन? अभी मैं शादी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, सॉरी। तो फिर मैं अब क्या बोलूँ? सबसे कह दीजिए कि मैं आपको पसंद नहीं आई। ठीक है। हमारा गौतम तुम्हें पसंद आया ना बेटा? गौतम तो मुझे पसंद है आंटी, पर उसे मैं पसंद हूँ क्या? बोलो बेटे, हमारी बेटी आपको पसंद आई? मुझे पसंद है। क्या है ये? एक बज गया, सोई नहीं? ये चैप्टर कंप्लीट होते ही सो जाऊंगी। बाप रे, इतना ज्यादा मत पढ़। अगर गलती से रैंक वैंक आ गया तो तेरे जितना पढ़ा लिखा लड़का ढूंढना मुश्किल होगा। Just stop it. तो फिर तुम क्यों नहीं सोए? मुझे तो जेट लैग हुआ है, भूल गई? तेरे लिए गिफ्ट लाया। वाओ, इसमें ऐसा खास क्या है? एंटी रिफ्लेक्टिव एंटी ग्लेयर, ज्यादा देर पढ़ेगी तो भी स्ट्रेन नहीं होगा। थैंक यू, नाउ प्लीज गेट आउट। पढ़ाई की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। हेलो, मैं भावना बात कर रही हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। बैड मॉर्निंग। मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है, 11 बजे क्रिएटिव प्लेस पर आओ। आ जाता हूँ, एड्रेस भेजो। लोकेशन मैंने तुम्हें मैसेज कर दी है। गौतम, यहाँ पर कम। हाय, हेलो। हेलो। ओके, आई एम लीविंग। ओके, बाय बाय। डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं, रिश्ता देखने आए, नो कहने को बोला तो यस क्यों बोला? तुम मुझे पसंद आ गई, इसीलिए मैंने सच बता दिया। मेरे बारे में तुम पूरी तरह नहीं जानते हो, यहाँ पर मेरा एक गैंग है। वाओ, इंट्रोड्यूस करवाओगी? प्लीज प्लीज। पाशा, गणेश, अटैक। ये है ऑटो पाशा। ऑटो चलाने के बजाय यहाँ क्या कर रहा है? रात में ऑटो चलाता है और दिन में अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करता है। बॉडी तो दिखाई दे रही है, क्रिएटिविटी दिखाई नहीं दे रही। डैम, लड़की और लड़के की आवाज की कहीं बीच में अटक गया है। ए, हाँ, लेडीज वॉइस में स्पेशलिस्ट है। ऑल द बेस्ट। वाह। इसका नाम है गणेश, बॉक्सर कम पेंटर। ये मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। भावना, तुम्हें पसंद नहीं आई, घर पे फोन करके बोल दो। नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे साथ जरा साइड में चल। शो। अबे। तुम्हारे होठों पर लिपस्टिक नहीं होती तो भी तुम मुझे पसंद आती। अच्छे खासे बालों को कलर करके बिगाड़ रही है।
जितना दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा दिखाने वाले कपड़े पहन रही हो। ये सब मुझे पसंद नहीं, बट दैट इज माई ओपिनियन। मुझे तुम बहुत पसंद हो। ये बात भेज में उतार लो, ओके? बाय गौतम, बाय गौतम, बाय, ध्यान रखना। जा भी। गौतम बहुत अच्छा लड़का है। हाँ? उसे भूल जाने की बात अब तुम भूल जाओ। वो हमें बहुत पसंद आ गया, कमाल का आदमी है। What are you saying? देखो मेरी बात मान लो, उसे प्यार कर लो, प्लीज। अच्छा लगा है वो। असल में हुआ क्या था अंदर? भैया, तुम्हारी वॉइस एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। अमेरिका में रैपिंग, बीट बॉक्सिंग, सिंगिंग, वोकलाइजिंग, इन सब के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। उनसे बात करके गारंटी तुम्हें उनके पास पहुंचा दूंगा, ओके? थैंक यू भैया। You're welcome, brother। हाँ। अपनी कंपनी से बात करके तुझे बॉक्सिंग की स्पॉन्सरशिप दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। तू फर्स्ट क्लास बॉक्सर बनेगा। थैंक यू भाई। ऑफर्स के लिए फ्रेंडशिप को भूल गए? हाँ? अरे वो बात नहीं है। बेकार हो तुम। ए गौतम। क्या है माँ? ये लड़की कैसी लगी? अच्छी है, क्यों? शाम को इस लड़की को देखने जाना, इसलिए पूछ रही हूँ। फिर से? भावना को बुरा लगेगा। अरे पर क्यों बुरा लगेगा? भावना ने ही रात को फोन किया था, मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि किसी भी तरह से ये शादी कैंसिल कर दीजिए। रात को इतनी सारी बातें की उसने, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा शायद तुम्हारे डैड की समझ में कुछ आ जाए, तो इसलिए उन्हें फोन दिया। देखो क्या हो गया, बेचारे अब जाकर सो पाए हैं। देखो गलती से अगर उस लड़की से शादी हो भी गई तो हमारी हालत कैसी होगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ज्यादा मत सोचो, मैंने तय कर लिया है उसी लड़की से शादी करूंगा। एक्सक्यूज मी, आई लव यू। इट्स ओके, उठो। मुझे सच में चाहते हो, ये मैं कैसे मान लूं? हम दोनों का नाम लेकर फ्लेम्स किया तो एल बच गया। एल का मतलब लव। तो फिर उससे कंफर्म हो गया? हाँ, सही कहा। मैं भी एक खेल खेलती हूँ कंफर्मेशन के लिए। ओके। उस पोस्टर को फाड़ के वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड करो। हाँ। तब मैं मानूंगी। गो। आई विल डू। हे भावना, क्या हुआ? आई जस्ट गेव हिम अ टास्क। अब वो गया। वो पोस्टर फाड़ने पर तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगी क्या? ये बात अगर उसे पता चल गई तो वो मुझे मार डालेगा। ना तुम चाहिए ना तुम्हारा प्यार। ए, ये क्या, मिनिस्टर का पोस्टर फाड़ रहा? Why is he doing that? हे गौतम, ये क्या किया पता है तुझे? जस्ट अ मोमेंट, ये लो अपलोड कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने किया होता तो तुम प्यार में पड़ जाती ना। वो ऐसा नहीं करता, मुझे पता था। आजकल के लड़के लड़की देखते ही उन्हें हाय कहने के बजाय सीधे आई लव यू कह देते हैं। पर मुझे मुझे जो चाहिए प्यार करने वाला नहीं, मेरे लिए कुछ भी करने वाला। तो फिर तुम्हारे लिए क्या करना होगा वो बता दो। बताऊंगी, अच्छे से सोच के तुम्हें टास्क दूंगी। क्या बात है? हमारे एरिया में किसी ने आपका पोस्टर फाड़कर फेसबुक पर डाल दिया है भाई, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे भाई। ए, जो मशहूर होता है उसके खिलाफ ऐसे काम होते रहते हैं। बड़े बड़े नेताओं की मूर्तियां भी चप्पल की मालाएं पहनती हैं, उससे उनकी इमेज कम होती है क्या? इस तरह की पब्लिसिटी हम जैसे नेताओं के बहुत काम आती है। कोई अगर कुछ ऐसा करता है तो उससे हमारी लोकप्रियता बढ़ती है, बेवजह हम हाईलाइट होते हैं। छोड़ दो उसे। क्या कर रहे हो? 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। नहीं,
छोड़ो मुझे। माल फ्रेश है, भाव बढ़ाओ। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 9 लाख। अगले इलेक्शन में तुम खड़े हो गए, भारी मेजोरिटी से तुम्हें जीतना है। जरूर भाई, आपने मौका दिया तो चौका तो जरूर लगाऊंगा। मेरे एरिया की एमएलए की सीट है ये भाई। तुम्हें जो मेजोरिटी मिलेगी उससे मेरी इमेज बढ़नी चाहिए। हाँ, जरूर भाई। 20 साल पहले लड़कियों को बेचकर फर्स्ट टाइम एमएलए के पद के लिए खड़ा हुआ था। ये मेरा सेंटिमेंट है, इसीलिए छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये पैसे लेकर मेरी इस जमीन से अपना प्रचार स्टार्ट करो। आशीर्वाद दीजिए भाई। नाइस। सेल्फी विद 10,000 बकरास। फेसबुक पे अपलोड करूंगी। हेलो सेल्फी वाली, क्या हुआ? मुझे मेरा टास्क कब मिलेगा? मुझे अब तक कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ। आप लोगों ने अब तक बात करने वाले नेता देखे होंगे, पर आप खुश नसीब हैं कि आपके सामने आज एक काम करने वाला नेता आया है। आप सभी के जीवन में दुखी दुख है, पर मैं आप सबसे ये वादा करता हूं कि मैं किए हुए सारे वादों को पूरा करूंगा। पॉलिटिशियन और प्रेमी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक जैसे होते हैं। वो कैसे? वोट मिलने तक वो और प्यार मिलने तक लड़का, झूठ ही बोलते रहते हैं, और फिर जीतने के बाद पॉलिटिशियन जो कहता है उसमें से कुछ नहीं करता। प्यार मिलने के बाद तुम भी कुछ नहीं करोगे। बाकियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे क्या करना है वो बताओ, मैं वो कर दूंगा। अभी स्टेज पे खड़े खड़े वो इन सभी बेचारों से बड़े बड़े वादे कर रहा है, कुछ कर दिखाएगा ऐसा दिलासा दे रहा है ना? तुम उसके सारे वादे पूरे करवाओ, वो सब पूरा हो जाए तो मैं खुद आके तुम्हें आई लव यू कहूंगी। 100% गारंटी है, सब करवाऊंगा। ऑल द बेस्ट। मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि विमान के चिन्ह को वोट देकर अगर आप मुझे एमएलए बनाएंगे तो हर घर में मैं नल लगवा दूंगा। नंबर 2, हर घर में 24 घंटे के लिए बिजली प्रवाहित होगी। नंबर 3, हर जगह पर मैं सीमेंट की रोड बनवाऊंगा। नंबर 4, माँ जी नमस्ते। सर इस वक्त तो टीवी देखने का टाइम हो गया है ना, औरतें सभी टीवी देखने की वजह बाहर क्यों हैं? घर में टीवी नहीं है। बाप रे, सीरियल देखने के लिए टीवी नहीं है क्या? नहीं, सीरियल ना देखने वाली औरतें भारत देश में भी मौजूद है क्या? माँ जी, अगर आप हमें जिताओगी तो मैं आपको जरूर टीवी दिलवा दूंगा। हाँ, मैं हर नेता की तरह नहीं हूँ माँ जी, किया हुआ वादा पूरा करता हूँ। हाँ, LED टीवी दिलाऊंगा। बेटा रुको जरा, ये क्या कर रहे हो? तुम कौन हो, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? आपने इससे पहले क्या कहा था? इलेक्शन में अगर जीत गया ना तो हर घर में कलर टीवी देने का वादा कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। इस बस्ती में खुद का ऑटो जिसके पास नहीं है ऐसे कितने लोग हैं भाई? 150 लोग हैं। तो 150 लोगों को मैं खुद अपने पैसों से ऑटो दिलवाऊंगा। विमान चिन्ह पर वोट देना भाई। जरूर वोट डालूंगा सर। बेटा रुको, तो कौन हो तुम, प्रेस से हो क्या? नो सर। तो फिर कौन हो तुम भाई? आपके वादे सुनकर मेरा दिल भर आया सर। कितना भर गया है भाई? बहनों मेरे विमान चिन्ह पर वोट डालना। हाँ ठीक है सर। हर घर में लैट्रिन बाथरूम बनवाऊंगा। मेरा वादा अगर मैंने पूरा नहीं किया ना तो मेरे घर में आकर टॉयलेट में बैठ जाना। अभी हम खैरताबाद गवर्नमेंट स्कूल के सामने खड़े हैं, पुलिंग शुरू हो चुकी है, वोट डालने के लिए वोटर्स अभी इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो, कहाँ है यार? लाइन में लगा हूँ यार, लगता है बहुत टाइम लगेगा। मेरे पिता ने फोर्स करके भिजवाया है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है यार। हमने शुरू कर दिया यार। क्या कहा, इतनी जल्दी शुरू भी कर दिया? जरा रुको यार, ठीक है यार। मैं पहुंच ही रहा हूँ, पापा को सेल्फी से मैनेज करता हूँ। सुपर सुपर।
100 रुपए दे। क्यों दूं? 100 रुपए देना। क्या जबरदस्ती है, मैंने उधार लिए थे क्या? अच्छा, मतलब मैं दूंगा तभी लौट आएगा। और नहीं तो क्या? वैसे ही वोट नहीं देगा तो नेता हमारे लिए काम नहीं करेंगे। वोट नहीं दिया तो रोड ठीक नहीं है, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, ये कहने का हक नहीं है। वोट देकर जा, चल लाइन में आ जा। ठीक है सर। इलेक्शन का आखिरी राउंड पूरा हो गया है। गौतम गोविंदन जी 62,655 वोट की मेजोरिटी से जीत गए हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे कौन है? बाप रे, फैन तुम? अब तक सो रहे हो, काम करना है ना? काम? असल में अभी करने के लिए क्या बचा है फैन? अगर आप लोग मुझे जिताओगे तो मैं सबको टीवी दिलवाऊंगा, हर घर में लैट्रिन बनवाऊंगा, मेरा वादा है। ये वादे पूरे करने के लिए टाइम नहीं है, चलो चलो जल्दी करो। नेताओं का काम प्रचार करने के लिए होता है, बचे हुए 5 साल रिलैक्स करने के लिए होते हैं। मैं रिलैक्स होकर आता हूँ, जरा टॉयलेट जाकर आता हूँ। तो अब बात को समझे फैन। मतलब ये सब झूठ था फैन? भले ही 100 झूठ बोल के एक शादी करनी पड़े और शादी करने के बाद और झूठ बोलना पड़े तो एमएलए की सीट जीतने के लिए सोचो कितना झूठ बोलना पड़ता है। बात को समझ गए ना फैन? मगर अगर मेरी शादी होनी है तो इस झूठ को सच करना होगा। तेरी शादी और मेरे प्रचार का क्या लिंक है भाई? तुमने जो वादा किया है वो अगर मैंने तुमसे करवाया तो वो लड़की मुझसे प्यार करेगी। अगर तुमने तुम्हारा काम पूरा कर दिया तो मैं हैप्पीली शादी कर सकता हूँ। उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है? बात से मुकर जाओ, काम हो जाएगा। बात बदलने के लिए मैं तुम्हारी तरह पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ, प्रेमी हूँ, ये सब करना ही होगा। चलो, प्रजा को जितना वादे किए वो पूरा करके मैं नेता धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कर सकता हूँ फैन, मुझे माफ कर दो फैन। वोटर के धर्म के अनुसार मैंने भी एक वीडियो बनाया है, तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है, देखो। क्या है, क्या है, जरा देखूं तो। बाप रे, क्या कहूँ मंत्री भानु, मुझे शांति से प्रचार करने नहीं देगा क्या? जब देखो तब कुत्ते को खड़ा करके भी जीता दूंगा, कुत्ते को खड़ा करके भी जीता दूंगा कहता रहता है। मैं क्या तुम्हें कुत्ता नजर आता हूँ? मैं पागल कुत्ता हूँ क्या? नहीं, वो है कुत्ता, वो है लोफर, वो है डूबर। देखो देखो, पूरा देखो। मैं हर हाल में जीतूंगा, उसका पूरा पर्दाफाश कर दूंगा, उसे मिट्टी में मिला दूंगा, सेंटर जाऊंगा, उसकी सीट भी हड़प लूंगा। अरे बाप रे, अब मुझे डरना होगा क्या? फैन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है क्या? व्हाट टू डू? इसे अगर मैं ऐसे डिलीट कर दूंगा तो समझो क्या उखाड़ लेगा फैन, क्या उखाड़ लेगा जी। तूने जो डिलीट किया तेरे फोन में था, मेरे फोन से नहीं किया ना। अगर ये उसे पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा फैन। प्रजा सेवा का टाइम हो गया है फैन। हमारे नेताजी बहुत महान है, देखिए अपना वादा पूरा किया है इन्होंने। लेकिन जाइए, जाकर नेताजी का भाषण सुनिए। वो 80 साल की है, क्या अगले इलेक्शन तक वो मुझे वोट देने के लिए जिंदा रहेगी? सर, आपका फैन आ गया। फैन, देखा ना, वादे के अनुसार मैंने सभी को टीवी दे दिया। अब नेक्स्ट ऑटो। जो पैसे थे सब इस्तेमाल कर लिए, क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई, अब इसे रोक देते हैं। ये कार बढ़िया है, कितने की होगी? ये इम्पोर्टेड कार है फैन, 50 लाख की है। तो फिर बेच के ऑटो खरीदते हैं। बाप रे! ए, चलो 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 चलो। अरे ये राशन की लाइन की तरह मेरे घर के अंदर क्यों खड़े हो? आपने ही तो कहा था कि अगर टॉयलेट नहीं बनवा तो आपके घर आ जाऊं। इसकी तो इनको देखकर मुझे भी टॉयलेट लग गई है यार। अरे एमएलए जी, कहाँ पर? अरे फैन, मुझे भी रोकने मत, पेट के सामान बहुत तेजी से ट्रेवल कर रहा है, मुझे जाना होगा। वादे के मुताबिक आपने इतने सारे लोगों को अपने घर पर ही बुला लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, जनता को आपके घर का बाथरूम इस्तेमाल करने दे रहे हैं और आपको बाहर जाना है। दिस इज रियली अमेजिंग, क्या कर रहे हो? अरे रुको, एमएलए, यू हैव नो आईडिया। इतनी झंझट करने से अच्छा है जो वादा किया था वो पूरा कर दो, बाथरूम बनवा दो।
बनवाने के लिए क्या बचा है? फैन, सब कुछ तो मैंने बेच दिया, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई तो दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मेरा घर बेच दू। ओ भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर 7-स्टार होटल शॉपिंग मॉल बनाने का प्लान कर रहे हैं। ये जमीन अमीर लोगों के व्यापार के लिए नहीं है, हम गरीबों का सिर छुपाने की जगह है। जाइए यहाँ से। क्या बात कर रहे हो, सुबह सुबह पीकर आए हो क्या? चलो जाओ यहाँ से। क्यों जाए यहाँ से? आपको अपने पेट पे लात नहीं मारने देंगे। ए, जब तक झोपड़े नहीं बन जाएंगे हम लोग यहीं पर रहेंगे। चलो सर, यहाँ पर जनता आकर हल्ला कर रही है। हे, क्या कर रहा है? यहाँ पे जमीन कब्जा करने आया है? ये हमारी जगह है, ये जमीन गरीबों के घर बनाने की है। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? आज बंजारा हिल्स में एक प्राइवेट लैंड पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। उन बुजुर्ग को पहचाना क्या तुमने? कौन? अरे वही बुजुर्ग। उन्हें पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। बचपन में तुम इन्हीं के ऑटो में स्कूल जाया करते थे। वो नेक्स्ट लाइट से ऐसा एसआई का अनुमान है। कभी एक रुपया तक ज्यादा नहीं लिया उन्होंने। ऐसे में दूसरों की जमीन पर कैसे कब्जा कर सकते हैं, समझ में नहीं आता। आह, बेचारे कैसे मार रहे हैं इन्हें सब। ए रे रे, वो तुम्हारे लॉयर रघुनाथ जी है ना, फोन करो ना, उनसे कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? पूछो। थैंक यू वकील साहब। इट्स ओके गौतम। बेटा, मैंने सोचा था गरीबों का कोई नहीं है, लेकिन तुम भगवान की तरह आ गए। मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, पर आप इस उम्र में क्यों लड़ रहे हैं दादाजी? हम गरीबों को वो जगह दी जाएगी, हमसे वादा किया गया था। उस जमीन पर सरकार आपके लिए घर बनाएगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप धीरज रखिए दादाजी। सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा। धन्यवाद भाई। एमएलए सर, गुड मॉर्निंग। दरवाजा खोलिए ना। अरे क्या सर, बाहर एक छोटा सा मैटर हो गया है, उसे सॉल्व किया तो आप परमानेंट एमएलए बन जाएंगे। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपको ठेस पहुंची है, और परेशान नहीं करूंगा। बस एक आखिरी काम कर दीजिए, वो वीडियो भी डिलीट कर दूंगा और आपको शादी में इनवाइट भी करूंगा। अभी मेरे पास मेरी बीवी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है फैन। ये भाड़े का घर है, मैं इसे नहीं बेच सकता। अगर बेचूंगा तो औरत चप्पल से मारेगा। रे 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 रे, हर चीज में पैसा बीच में क्यों लाते हैं? ये काम करने के लिए 5 पैसे भी खर्च नहीं होंगे। पैसा क्या? हाँ, ओ फ्री है क्या? हाँ फ्री है। अगर फ्री है तो मैं वादा पूरा करूंगा फैन। ये हुई ना बात, ये देखिए दिल खुश हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस खाली जमीन पर सभी गरीबों के लिए घर बनवाऊंगा। सेंट्रल मिनिस्टर से बात करके हर एक के लिए यहाँ पे घर सैंक्शन करवा दूंगा। चलिए चलिए, जल्दी से साइन करके आते हैं। फैन, तुम्हें पता है ना कि वो लैंड उसके कब्जे में है। अभी मैं जाकर अगर उससे मांगूंगा ना तो वो मुझे मार के रिएक्शन करवा देगा। मतलब छोटे से साइन के लिए आपको मार देगा? वो बहुत डेंजरस है फैन, मैं तो उसके आगे नहीं जा सकता फैन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा वैसे ये वीडियो देखकर मारेगा या आपके साइन करने के बाद मारेगा? मेरी तो लग गई है भाई, तुम जैसे कहोगे वैसा ही करूंगा। पालतू कुत्ता अगर इशारे पर कुएं में कूदता है तो वो वफादार होता है। अगर वही कुत्ता आकर हम पर भौंके तो समझो वो पागल हो गया है। तू भी ऐसे ही पागल हो गया है। तू अपनी वफादारी निभाने के बजाय तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आकर मुझसे साइन मांग रहा है? ये मैंने नहीं मांगे है सर, बात समझो सर, वो सब मैंने नहीं किया है सर। एक आदमी वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है सर। अब मुझे वो वीडियो दिखा। वो तो मैंने पहले डिलीट कर दिया सर। डिलीट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम? उसके फोन में तो है ना सर।
ए, चल बैठ, बात करते हैं, आ। मुझे बता वो है कौन, फोटो दिखा। ये क्या है, कपल्स के जैसे चिपके हुए हो? क्यों, डीप रिलेशन है क्या? मेरा फैन है सर। ए, जब फैन है तो क्यों डर रहा है? सर, फैंस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत डेंजरस होते हैं सर। अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया जाना तो वो आपको मार भी सकते हैं सर। ए, कहां मिल गया तुझे वो? मुझे वोट देने के लिए वो अमेरिका से छुट्टी लेकर आया था। वोट डालकर यहाँ से वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन वो मेरे पीछे लग गया सर। आज से उसे भूल जा, उसका चैप्टर क्लोज। तेरे फैन को अब मैं देख लूंगा। ओके, हियर वी गो। ब्रदर, मेरी कंपनी से तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगी, गारंटीड। यस, माय ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। कांग्रेट्स। इतना एक्साइट क्यों? Yeah. वहां जाकर हमारा। एक्सक्यूज मी, आर यू मिस्टर गौतम? यस। दिस इज फॉर यू। ओके, देखता हूँ क्या है। क्यों ब्रो, यूएस जा रहे हो क्या? यूएस आज ही जाना है। यार तूने बताया भी नहीं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ यार, असल में मेरा पासपोर्ट घर से यहाँ किसने भेजा? प्राइवेट नंबर। हेलो। मेरे साइन करने से तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन तू बहुत जल्दबाज है। मुझे जो चीज पसंद आती है मैं उसे दूसरों से छीन लेता हूँ। ऐसे में अगर कोई मुझसे छीनना चाहे तो क्या कर लेगा? ऑलरेडी कर दिया है। तेरी प्यारी बहन अभी प्रकाश के पास है, मेरे आदमियों ने उसे आसानी से उठा लिया है और आसानी से बेच देंगे। तू अगर अमेरिका की फ्लाइट पकड़ता है तो तेरी बहन घर वापस जाएगी, और अगर तू रुक गया तो तेरी बहन दुबई की फ्लाइट पकड़ेगी। किसे फॉरेन जाना है तू ही डिसाइड कर ले। एक लाख, चार लाख, छह लाख, लेके जा। ये है जबरदस्त। क्या मस्त है। दो लाख। बिल्कुल पनीर है, इसके तो बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। पांच लाख। आठ लाख। पंद्रह लाख के नीचे नहीं। बीस लाख। पच्चीस लाख। तीस लाख। ये हुई ना बात, लेके जा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। बच्ची को संभाल के लेना, अब ये तुम्हारी हुई, लेके जा। अंदर मेरी तरह और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, प्लीज जाकर बचाओ उन्हें।
इसने मेरी बहन से पंगा लिया, इसीलिए मैंने इससे पंगा लिया। गाय को भी बेचना पाप है, ऐसी सोच रखने वाले हमारे भारत में तेरा लड़कियों को बेचना माफ नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू, ये गलत है, ये सही है, ये सोचने और बोलने के लिए मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मिनिस्टर हूँ। मैं जो करता हूँ वही सही है। मुझ जैसे मामूली आदमी से पहले मिला नहीं ना, वरना सही रास्ते पर चलता। पर अब मुलाकात हो गई ना, तुझे सही ट्रैक पर लाऊंगा। मुझे ट्रैक पर लाने वाला तू कौन है? ये निशान दिखाई दे रहा है ना, वोटर। तू बस एक मामूली वोटर है। मामूली वोटर? गलत, कोई वोटर तेरी दहलीज पर आकर खड़ा नहीं होता। तुझ जैसे नेता ही हमारे घर के सामने आते हैं वोट मांगने, हाथ छोड़ के वोट मांगते हो। उन 5-6 लोगों में से कौन ठीक से काम करेगा ये हम चुनते हैं और बनाते हैं MLC, MLA, MP। हम जैसी पब्लिक को सर्विस देने के लिए हमारा दिया हुआ ऑफर लेटर ही हमारा वोट है। तेरा खाना, तेरे पहने हुए कपड़े, ये सायरन वाली कार, ये सब मुझ जैसे पब्लिक के टैक्स का पैसा है। हम जैसी पब्लिक का सर्वेंट है तू। मैं कोई मामूली वोटर नहीं ना, ओनर, ओनर, ओनर। क्या बकवास कर रहा है तू, सिर्फ एक वोटर है। वोटर ने एक उंगली का इस्तेमाल किया तो तेरे पास कितनी पावर आ गई, अगर वो 5 उंगलियां इकट्ठा कर ले तो कितनी पावर होगी, सह नहीं पाएगा। मुझे जल्दी से अमेरिका भेज दे, इसी में तेरी भलाई है। मेरे जाने के लिए तुझे टिकट भेजने की जरूरत नहीं है, उस जमीन के कागजात पर साइन कर, मैं खुद चला जाऊंगा। एक पॉलिटिशियन को तूने ललकारा और पॉलिटिशियन की पावर अब तुझे दिखेगी। वही पावर देने वाले वोटर को तूने ललकारा है, वोटर की पावर अब मैं तुझे दिखाऊंगा। सहने की ताकत है तो इंतजार कर, वरना देर किए बिना साइन कर दे। तू साइन करेगा या फाइट करेगा, फैसला कर ले, फैसला कर ले, फैसला कर ले। साहब, साहब, ठीक है, निकलता हूं। 10 साल से मैं एक चाय की दुकान लगा के जी रहा हूं साहब। नगर पालिका वाले मेरी दुकान उठा ले गए साहब। कहां जाएंगे हम लोग साहब, हमारी मदद कीजिए ना साहब, बचा लीजिए हमें साहब, बचा लीजिए। गलत ना, ओ ना, अगर वो 5 उंगलियां इकट्ठा कर ले। वोटर को इस तरह से होना चाहिए ना, वो तो मुझे वार्निंग देकर गया है साहब। वोटर क्या होता है उसे दिखाना होगा। ठीक है, काम हो जाएगा, आप जाइए। हाँ, नमस्ते, धन्यवाद। भाई, उसकी टपरी उसे वापस कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, वोटर इस तरह पैरों पर गिरते हैं तो अच्छा लगता है। कितने साल गिरेंगे ये देखना है। वोटर की असली औकात क्या होती है ये मुझे दिखाना है उसे। वैसे है कहाँ वो? वो हमारे जमीन वाले मैटर के पीछे पड़ा हुआ है। जो करना चाहता है उसे करने दो, तभी तो उसे मुझ जैसे पॉलिटिशियन की पावर का अंदाजा होगा। जब सारी कोशिशें करके हार जाएगा तो मेरे ही पैरों पर आकर गिरेगा। तुम चले जाना, पर उस बच्ची को देखो। उस बच्ची के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, उस बच्ची को हार्ट प्रॉब्लम है। ऑपरेशन के लिए 10 लाख खर्च होगा। वो बहुत गरीब परिवार से है, उस बच्ची का किसी भी तरह ऑपरेशन करवाना है। फंड्स के लिए सेल्फी खींचकर मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया, सबने वायरल करके मुझे पैसे भिजवाए। अभी उस बच्ची का ऑपरेशन हो गया और वो बहुत खुश है। मेरी एक सेल्फी ने एक बच्ची की जिंदगी बचा ली। आई एम रियली हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस। कम इन। थैंक यू सर। क्या काम है बताइए। बंजारा हिल्स में 10 एकड़ की जमीन कुछ लोगों ने गवर्नमेंट के लो इनकम हाउसिंग स्कीम के लिए डोनेट की थी। मिनिस्टर भानुशंकर ने ना सिर्फ उस जमीन पर कब्जा कर लिया है बल्कि उन लैंड ओनर्स को भी मार दिया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और अब उन बेचारे गरीबों को दी गई जमीन पर ये कॉम्प्लेक्स 5-स्टार होटल बनाने के प्लान बना रहे हैं सर। उन गरीबों की किसी भी तरह मदद करनी होगी, अगर आप कुछ एक्शन ले लेंगे तो
आप तो अमेरिका में रहते हैं ना? हाँ सर। क्या करते हैं वहाँ? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। महीने की कितनी सैलरी है? 4 से 5 लाख। अच्छी जॉब तो है, और क्या चाहिए? मिनिस्टर भानुशंकर के बारे में। गौतम, उस मिनिस्टर भानुशंकर के ऊपर केस करेंगे तो वो कोर्ट जाएगा, 100-150 डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा, सालों साल तुमसे कोर्ट के चक्कर कटवाएगा, आपको बार बार अमेरिका से इंडिया आना पड़ेगा, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी और साथ में करियर भी। आप जिन्हें लैंड दिलवाना चाहते हैं वो बचेंगे या नहीं मुझे नहीं पता है। मेरे ख्याल से डोंट इंटरफेयर, प्रैक्टिकली सोचो जरा, उसके बाद कोई फैसला करो। थैंक यू सर। मैंने तुम्हें पहले ही बताने को सोचा, लेकिन मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करना चाहती थी। वो कोई भी हेल्प नहीं करेगा। अब कोई मदद करे ना करे मैं नहीं छोड़ूंगा। कमिश्नर जो काम नहीं कर पाया अब एक कॉमन मैन करके दिखाएगा। लेकिन तुम करोगे क्या? हाँ बोलो गौतम। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी सर, उसी सिलसिले में कुछ लोग जिनके पास बंजारा हिल्स में 10 एकड़ का प्राइम लैंड है, वो मिनिस्टर भानुशंकर के पास जमीन डोनेट करने के लिए गए थे, पर मिनिस्टर ने जमीन पर कब्जा कर लिया। मैं चाहता हूँ कि आप ये बात थरली इन्वेस्टिगेट करें, जनता को बताएं कि सच क्या है। I'll introduce my investigative journalist to you. Sure, sir. Please come to my cabin. Hi, sir. Good morning. गौतम, जो भी बात है आप इनसे कीजिए। सर I'll get back. Sure, sir. Thank you, sir. एमडी जी कहाँ है? क्यों? भानुशंकर जी ने फोन कनेक्ट करने के लिए कहा है। पहले तुम यहाँ से जाओ, जाओ अपने केबिन में जाओ, जाओ यहाँ से। हाँ बोलिए सर। कोई जरूरत नहीं है। गौतम, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? प्रेस वाले पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पुलिस वाले पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं। किस पर भरोसा करूं समझ में नहीं आ रहा है। दूसरों पर भरोसा करोगे तो धोखा खाओगे। अगर तुम्हें दुनिया को बदलना है तो खुद पे भरोसा रखो। दुनिया में वही लोग परिवर्तन लाए हैं जिन्हें खुद पर भरोसा था। गौतम, यू कैन डू इट। हम उस मिनिस्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पूरा सिस्टम उसी को सपोर्ट कर रहा है। हम चाहे जो भी कर ले, टाइम वेस्ट करने के अलावा उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया था ना ब्रो। मतलब देश में हर कोई रिलैक्स होकर ही बैठा है क्या? कॉम्प्रोमाइज करके जीना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हैं, इसीलिए तो हमारी गर्दन पर पैर रख के ये नेता खड़े हैं। कोई आकर कुछ करेगा और समाज में बदलाव आएगा, इससे लोगों का भरोसा उठ गया है। लेकिन युद्ध एक से ही शुरू होता है, तो शुरू करते हैं। तो तुम ही बताओ क्या करोगे तुम? इंडियन डेमोक्रेसी के 4 स्टेट्स होते हैं, पॉलिटिशियन, जुडिशियरी, लॉ एंड मीडिया। अगर ये चारों हमारा साथ ना दें तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? जब इजिप्ट में ऐसा हुआ था तब उन्होंने क्रांति लाई थी और इसकी शुरुआत बस सोशल मीडिया के एक पोस्ट से हुई थी। सोशल मीडिया की वजह से आई क्रांति ने उनके पूरे देश को बदलकर रख दिया। तो अब हम भी वो 5th स्टेट इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया। हाय, दिस इज गौतम। मैं एक प्रेमी हूं, मेरे अंदर का प्रेम ही मुझे यूएस से इंडिया खींच कर लाया। वैसे मैं किससे प्रेम करता हूं यही सोच रहे हैं ना? मेरे देश से। क्यों? ये अकेला ही देश से प्रेम करता है, हम भी देश से प्रेम करते हैं ऐसा आप कह सकते हैं। इसीलिए बॉस, आपसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करने आया हूं।
मेरी ख्वाहिश है कि हमारा देश दुनिया के देशों में नंबर वन हो, इसीलिए अमेरिका से इलेक्शन में वोट करने आया हूँ। अमेरिका में मानते हैं जनता कैसी भी हो, लेकिन नेता को सबसे अच्छा होना चाहिए। पर हमारे देश में जनता अच्छी होनी चाहिए, फिर भले हमारे देश का नेता अपना काम ठीक से करे या ना करे। सिर्फ एक झूठ की वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को उनके पद से निकाल देने का फैसला लिया गया। हमारे देश में भी जब रेलवे का हादसा हुआ था तो रेलवे मिनिस्टर ने, और बस का हादसा हुआ था तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया था। कभी कभी ऐसे जिम्मेदार नेता भी मिल जाते हैं, वरना आजकल घर में फल सब्जियों की तरह ब्लैक मनी रखने वाले इतने सारे मंत्री, इनमें से किसी ने रेजिग्नेशन दिया? अरे साहब, हमने आपको वोट दिया है, अब हमारे इलाके में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप आके सुलझाइए। ऐसा MLA और MP को हम जाकर कह सकते हैं, ये हक हमें कानून ने दिया है, हमारा वो काम पूरा करना उनका फर्ज है, यही सामाजिक न्याय है। पर क्या ऐसा हो रहा है? आपके आगे पीछे कहीं पर भी आपने कभी सुना है कि किसी नेता ने अपना दिया हुआ वादा पूरा किया? किसी ने आपसे ऐसा कहा? क्या आपने ऐसा देखा? नहीं ना। एग्जाम पेपर्स लीक करके स्टूडेंट्स की जिंदगी से खेलने वालों को सजा देने के बजाय उन्हें मंत्री बनाकर उन्हें सम्मान देकर हम कब तक उनका जुल्म सहने वाले हैं? किसी पार्टी के सिद्धांत को पसंद कर उस पार्टी के प्रतिनिधि को हम वोट देकर जिताते हैं, पर उस MLA या MP को काम करने के बजाय बड़ी पार्टी में जंप मारने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इन लोगों की ऐसी हरकतें देखने के लिए इसीलिए इन्हें चुना था। पेट भरने के लिए चोरी की तो भी वो चोरी ही होती है, लेकिन अपने फायदे के लिए अपना जमीर बेचने वाले इन नेताओं को, सिर्फ चंद पैसों के लिए पार्टी बदलने वाले इन लीडर्स को चोर कहें या फिर कोई और गाली दें, जिसके लिए चुने गए हैं वो काम कब करेंगे? अरे बचपन से धड़कने वाला दिल अगर काम करना बंद कर दे तो हम उसे बदल देते हैं। तो फिर ठीक से काम ना करने वाले नेता को हटाने के लिए 5 साल इंतजार क्यों करें? अग्नि को साक्षी मानकर जब शादी करते हैं तब पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि मरने तक एक दूसरे का साथ देंगे। इसके बावजूद उनके जुदा होने के लिए तलाक का कानून बना है, तो जो चुनाव में जीता है अगर वो कमीना निकले तो उसे उसी वक्त रिकॉल करके गद्दी से हटाने का हक हमें क्यों नहीं दिया गया है? हमारे वोटों से जीते नेता अगर गलती करते हैं तो उन्हें रिकॉल करने का अधिकार हमें चाहिए, ये सवाल आप उठाइए। मैं, आप, हम सब जब एक होकर एक आवाज में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चिल्लाएंगे कि रिकॉल चाहिए, तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर इन नेताओं को जिम्मेदार बनाना है तो रिकॉल लाना ही होगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गरीबों को घर बांधने के लिए बिना एक पैसा लिए 10 एकड़ की जमीन नगर के कुछ महान लोगों ने निस्वार्थ भाव से दान की थी। जब उन गरीबों ने पूछा कि हमारी जमीन पर कब्जा क्यों किया, तो ये सवाल करने वाले उन गरीबों को गली के कुत्तों की तरह बेरहमी से मारकर, जानवरों की तरह हाथ पैर बांधकर, कुत्तों की गाड़ी में बिठाते हैं वैसे वैन में बिठा दिया गया। इस सब की वजह है MP भानुशंकर। इंडिया मेरा घर है। MP भानुशंकर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास मैं रिकॉल पिटीशन डाल रहा हूँ। अगर आपको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है तो मेरे रिकॉल पिटीशन को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद। अगर इन नेताओं को जिम्मेदार बनाना है तो रिकॉल लाना ही होगा। भाई 5 सालों में इलेक्शन जो होता है वो तो पता है, ये रिकॉल इलेक्शन क्या है? कोई पॉलिटिशियन अगर ठीक से काम नहीं करता है तो जल्दी ही वोट देने वाले हम नया इलेक्शन करके हरा के उन्हें हटा सकते हैं, वही होता है रिकॉल इलेक्शन, और ये हम सबकी जरूरत है। ये रिकॉल आइडिया देने वाले गौतम को हम सबको सपोर्ट करना होगा, ठीक है ना? बिल्कुल करेंगे सर। व्हाट एक्साइटिंग न्यूज, गोइंग टू बी अ सेंसेशन ऑफ द ईयर। क्या है वो? इट इज अबाउट एन NRI, मिस्टर गौतम, हु इज स्टॉर्मिंग द सोशल मीडिया विद रिकॉल आइडिया। फाइनली समवन हैज द गट्स। इस पे एक स्पेशल अपडेट प्रोग्राम चलाओ। फेसबुक पर अपने वीडियो के जरिए तहलका मचा देने वाले गौतम और उनके रिकॉल इलेक्शन वाले आइडिया ने लोगों को जगा दिया है। गौतम का ये रिकॉल इलेक्शन देश को एक नई दिशा में ले जा रहा है। रिकॉल इलेक्शन से संबंधित समाचार, मंत्री भानुशंकर पर रिकॉल इलेक्शन का पिटीशन डालने वाले गौतम पर जनता को पूरा भरोसा है और जनता उनका सहयोग कर रही है। क्या हुआ भाई, क्या चल रहा है? ये रिकॉल के नाम पर यह क्या हंगामा है? मेरे कैरेक्टर पर कोई कुछ भी बोलता है तो मैं सह सकता हूं, पर मेरे करियर को छूने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ता। ये वीडियो बहुत फेमस हुआ है भाई। अब हम भी एक वीडियो बनाएंगे, किसके कहने पर वो ये सब कर रहा है उसके साथ तुम लोग रात बिताओगे और फिर उसे हम अपलोड करेंगे। ये वीडियो ज्यादा फेमस होगा। आज के यूथ को इससे ज्यादा मजा और कहीं नहीं मिलेगा। लग जाओ काम पे।
भाई ने बिल्कुल सही कहा था, इसका वीडियो निकाल के अगर फेसबुक पे डालेंगे तो बाप रे बहुत लाइक्स आएंगे। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, पर अगर किसी लड़की को तुम जैसे कमीने छेड़ने की कोशिश करेंगे तो उनका क्या हाल होगा बस थोड़ी ही देर में पूरे शहर को पता चल जाएगा। रिकॉर्ड करके अपलोड करो। रिकॉर्ड करो ना। Connect to my secretary, please. Sir. Have you seen the newspaper today? Yes, sir. The news about recall election is very interesting. Sir. I would like to take the case as suo motu. Sir. Please put the election commission as a respondent. Recall election ke vishay ko Supreme Court ne swikar kar liya hai. Supreme Court ordered to go through recall election process. नमस्ते। रिकॉल के कदम से पूरे देश को इकट्ठा करने वाले गौतम के साथ एक बातचीत। श्री विद्यानिकेतन के विद्यार्थी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। वेलकम टू माय शो गौतम। थैंक यू सर, इट्स माय ऑनर। भारत देश में करोड़ों लोगों के मन में रिकॉल का ऑप्शन नहीं आया, आपके मन में कैसे आया जान सकता हूँ? अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछने की सोच रहा हूँ। जरूर पूछिए। आप बस जवाब में सिर्फ हाँ या ना कहिएगा। ओके। देश के नेताओं की वजह से सभी मुश्किलें सुलझ गई हैं ऐसा आपको लगता है? No. हमारे नेताओं ने जो वादे किए थे क्या वो उन्होंने पूरे कर दिए? No. जब से आजादी मिली है तब से अमीरों और गरीबों के बीच का गैप कम हुआ है ऐसा आपको लगता है? No. मैं भी ऐसे ही नो 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 कहकर थक गया था और इसीलिए मुझे रिकॉल का ख्याल आया। रिकॉल की वजह से नेताओं में बदलाव आएगा आपको लगता है? वोटर वोट के साथ बैलेट बॉक्स में विश्वास डालता है कि इस वोट से उसका भविष्य सुधर जाएगा। हमारे यहाँ वोट से नेताओं का तो भला हो रहा है लेकिन वोट डालने वाले का नहीं। क्यों यहाँ किसी नेता को वोटर का डर नहीं है? अगर हम उनमें वो डर पैदा करें तो वो अपना फर्ज निभाएंगे, सही राह पर चलेंगे। तो हमारे भारत देश का जो संविधान है क्या आप उसे बदलना चाहते हैं? संविधान देश की जनता के लिए लिखा गया है। हमारे सामने समस्या है तो उसका उपाय भी हमें ही ढूंढना होगा और मुझे लगता है कि इस समस्या का हल है नेता का अधिकार जनता के हाथों में आना। ये सब आप ही करने की क्यों सोच रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूं? अगर गांधी जी ने सोचा होता तो क्या हमें आजादी मिलती?
किसी ना किसी को तो ये सोचना ही होगा ना, तभी बदलाव आएगा। अगर इसी तरह से हर एक व्यक्ति रिकॉल को मानेगा तो सरकार का करोड़ों रुपए का खर्च होगा उसका। रिकॉल अगर एक जगह भी होता है तो इंडिया को रिकॉल की ताकत का अंदाजा होगा। हर नेता गलती करने से पहले दोबारा सोचेगा, ईमानदारी से काम करेगा, तब जनता को रिकॉल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बार इलेक्शन नहीं होगा। आप मंत्री भानु शंकर पर रिकॉल इलेक्शन मांग रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपको 30% लोगों का समर्थन चाहिए होगा अगर आप इलेक्शन कमीशन से किसी के लिए रिकॉल मांगते हैं तो। हैं क्या इतने लोग? मेरे पास 1,00,000 के ऊपर वोटर्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल साइट्स पे जो रिएक्शंस हैं उनको देख करके आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आने वाले रविवार को 10 बजे उसी बंजारा हिल्स के ओपन लैंड में 1,00,000 के ऊपर लोग रिकॉल पिटीशन सपोर्ट करने आएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। ओके, थैंक यू गौतम, आप हमारे शो में आए और हमसे बात की। अब आने वाले रविवार को हम विद योर परमिशन स्टूडेंट से एक सवाल करना चाहता हूं। क्यों नहीं, थैंक यू। इज इंडिया अ ग्रेट कंट्री? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इस देश में बात करने के लिए और लिखने के लिए तो पूरी आजादी मिलती ही है। क्रिकेट में टेस्ट मैच, वनडे मैच, 2020 सब में इंडिया ही टॉप पे है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जात मजहब समुदाय भले ही अलग हो फिर भी हम सब एक ही हैं। आप हंस क्यों रहे हो गौतम? उनकी बातों में आखिर गलत क्या है? क्या भारत देश एक महान देश नहीं है? इज इंडिया नॉट अ ग्रेट कंट्री? है ना सर, इन्होंने कहा ना, क्रिकेट में ऑल फॉर्मेट्स में इंडिया नंबर वन है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, फ्रीडम भी है। बताइए गौतम, आप हंस क्यों रहे हैं? इंडिया इज नॉट द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप कह रहे हैं इंडिया एक आजाद देश है, क्यों? अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन, इटली, ये सब भी तो आजाद देश है। इंडिया के इर्द गिर्द 108 देश हैं जो आजाद है। इंडिया सबसे ग्रेट कंट्री है ये कहने के लिए आपके पास कोई सबूत है क्या? इंडिया की पूरी प्रॉपर्टी के वैल्यू का 58% पॉपुलेशन के सिर्फ 1% लोगों के पास है। अगर पूरी दुनिया को मिलाकर गिनती करें तो हर 3 गरीब लोगों में एक इंसान भारतीय है। देश के बिलियनर्स की अगर गिनती करें तो इंडिया तीसरे स्थान पर है, लेकिन इंडिया के 30% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं। लेट मी गिव यू अ फ्यू स्टैटिस्टिक्स। देयर आर 196 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया इज एट 112। इन मीडिया फ्रीडम इंडेक्स वी आर एट 133। डिजास्टर रिस्क इंडेक्स, इंडिया इज एट 77। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 79। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 131। देन हाउ आर वी द ग्रेटेस्ट कंट्री? एक वक्त था जब हमारा देश सबसे महान था, न्याय को सबसे ऊपर मानता था, धर्म के लिए संघर्ष करता था, आजादी के लिए जीवन त्याग देता था। दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे ऋषि हैं। दुनिया का सबसे ग्रेट मैथमेटिशियन हमारे देश से था, आर्यभट्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स हमारे देश से था, चाणक्य। अहिंसा के मार्ग पर चलकर बिना लाठी या बंदूक उठाए हमारे इस देश ने आजादी हासिल करके दिखाई। हमारे देश के कई गरीबों ने देश के लिए संघर्ष किया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाए। मैं, आप, हम सब देशवासी आजादी से पहले भी गुलाम थे और आज भी नेताओं के गुलाम ही हैं। ताज्जुब इस बात का है कि इससे हमें दुख नहीं होता, हम ऐसे ही जीना सीख गए। पर अब बदलाव लाना होगा, बदलाव आएगा, हम बदलेंगे। और सबसे पहले हमें बदलना होगा हमारे देश के राजनेताओं को, क्योंकि अगर एक देश की भलाई करनी है तो पहले उसके नेताओं को ठीक करना होगा। उन्हें ठीक करने का तरीका है ये रिकॉल। हमारे राज्य की हर पार्टी मिलकर मेरे पास ही क्यों आई है? क्या रीजन है? हमारे लोगों में समझ नहीं है। हम जैसे मीडिया को इस्तेमाल करते हैं वैसे इंडिया में कोई नहीं करता, हमेशा टीवी में दिखाई देते हैं। अरे नींद हराम करके रख दी है। बस कर भाई, तू नीति सिखा रहा है। हमारे भाई को शहर में चप्पल तूने ही पड़वाई थी ना, उस दिन रैली में अंडे तूने फिकवाए थे ना, और तुम लोग नीतियां बना रहे हो, बकवास करते हो। ए, तुम रुको। पॉलिटिशियंस के बीच झगड़े नहीं होने चाहिए, कोई पार्टी नहीं बचेगी।
ऐसे हालात में साइड होने और सेटल करने में ही अपनी भलाई है। उसने रिकॉल कहकर वाट लगा दी। गलती से अगर वो सक्सेस हो गया ना, तो हम जो राजा की तरह जीते हैं, नौकरों की तरह जीना पड़ेगा। इतनी जल्दबाजी मत करो भाई, अब तक वो रिकॉल शुरू नहीं हुआ है ना। अगर वो तुझ पे लगाया होता तो तुझे पता चलता। ए, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैंने जनता से जो वादा किया था ना, वो मैंने पूरा किया। वो मुझ पर रिकॉल क्यों करेंगे? उनके दिल में तो भगवान हूँ मैं। उन्होंने अपने दिल में मुझे बसाया हुआ है। तुम जैसे कमीनों को रिकॉल करेंगे वो। तुम जैसे कमीनों को रिकॉल करेंगे। ये क्या किया? इस पर उंगली क्यों उठा दी मैंने? मेरी पार्टी का नहीं, सभी पार्टी का सपोर्ट तुम्हें होगा, पर वो मीटिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। हम सभी टीवी में बहुत दिख रहे हैं, यही कहा था ना। नहीं होने वाली न्यूज भी टीवी में ही देखना। ए, घर घर जाकर वार्निंग दे दो, किसी को मत छोड़ना। हाँ ठीक है भाई, जा रहे हैं। ए, अगर कोई मीटिंग में गया ना तो जान से जाएगा। कल होने वाली मीटिंग में कोई नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो मरेगा। जाएंगे तो गलत क्या है? ए, चली से। अरे, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे? ए, कल मीटिंग में जाने से क्या होगा, तुम सबको यहीं पे दिखाता हूँ। कल मीटिंग के पास में कैमरा होगा, कोई भी आएगा तो वहां रिकॉर्ड हो जाएगा, याद रखना। गौतम सर, तुमने बोला था कि तुम्हारे पीछे 100,000 जनता है, टाइम के हिसाब से सभी को आना होगा। वो आएंगे ना? आएंगे सर। गौतम सर, ग्रेस टाइम मांगा, 10:30 बज गए हैं, अब तक एक भी नहीं आया। ऊपर से हम पर प्रेशर होगा, समझो गौतम। थोड़ा सा वक्त और दीजिए प्लीज। ऑफिसर सर, और थोड़ा वक्त दे देते हैं। सोचा था 10,00,000 लोग आएंगे, लेकिन आप तो अकेले आए। मैं बूढ़ा हूं ना, सोचा था सबसे आखिरी में पहुंचूंगा, लेकिन लगता है बाकी लोग मुझसे भी ज्यादा बूढ़े हैं। बेचारे आ नहीं पाए। गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मर जाना गलत होता है, पर हमारे देश में गरीब गरीब नहीं मरता है, और ज्यादा गरीब होके मरता है। इसका कारण है ये नेता। उनके लिए गरीब किसी गिनती में ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं ना। और वो लड़का अमेरिका से आया है, वो हमारी जिंदगी बदल देगा, ये सोचकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। उसकी कामयाबी में ही हमारा उद्धार है, ये हम सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये सब हमारे लिए कर रहा है, हमें इसका साथ देना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम साथ नहीं दे रहे हैं, हम मरने से डर रहे हैं। एक बार मरने के डर से रोज रोज मर रहे हैं, रोज रोज मर रहे हैं, इसीलिए अच्छी जिंदगी की हिम्मत ही नहीं करते। एक दिन मर न जाए, इसके लिए हम रोज रोज मर रहे हैं। एक राष्ट्रवादी की राष्ट्रवादी ही मदद कर सकता है,
एक गांव वाले की मदद उसके गांव वाला ही करता है, एक समाज वाले की मदद एक समाज वाला ही तो करता है। पर तू ऐसी जिंदगी पर कि एक गरीब इंसान दूसरे गरीब इंसान की मदद करने को तैयार नहीं है। इतने सालों के बाद ऐसा मौका मिला है, अगर हम मदद करेंगे तो हमारा ही भला होगा। उन दिनों में गोरों को भगा करके हमने आजादी पाई थी, पर क्या फायदा। अब तो सफेद कपड़े पहनने वाले हर एक नेता ने उन्हीं गोरों की जगह ले ली है। इन्हें भगाना हमारा फर्ज नहीं है, यही है रिकॉल इलेक्शन। इतने अच्छे मौके पर क्या हम लोग डर कर अपने घर में बैठ जाएंगे। बाहर आके हमें अपनी पावर दिखानी होगी, डर को भगाना होगा अपने डर से। अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए हम सब लोग यहाँ आएंगे। हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, हम अपने वोटर कार्ड की ताकत दिखाएंगे, उसे हटाएंगे, हम जीतेंगे दोबारा, अपने वोट से उसे हटा कर रहेंगे। आ जाओ। मैं जाकर अपना नाम दर्ज करवाऊंगा। बुड्ढा बात करेगा तो कौन आएगा सर। गौतम, रिकॉल इलेक्शन प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं, सॉरी सर। नो। गौतम, रिकॉल इलेक्शन एक्सेप्टेड। यस। हमने कर दिखाया ब्रो। गौतम का ये रिकॉल इलेक्शन देश को एक नई दिशा में ले जा रहा है। भारत देश में पहली बार रिकॉल इलेक्शन होने वाला है। 10 दिनों में पोलिंग हो जाएगी। उसे जो करना है करने दो। ध्यान मत दो, हमें जो करना है हम करेंगे। पिछली बार 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे, अभी 50 करोड़ खर्चा करके इलेक्शन जीतूंगा। तू अभी भी आउटडेटेड राजनीति कर रहा है। पैसे लेकर नेता को वोट देने वाले दिन चले गए, इसीलिए अपनी हरकतों से बाज आ जा वरना मैं तुझे नंगा कर दूंगा। दिमाग में कुछ भी मत पाल, रिकॉल इलेक्शन की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर उससे कुछ ना होता तो तू मेरे सामने खड़ा ना होता। तुझे रिकॉल शब्द सुन के डर लग रहा है, इसीलिए तू वोटर के पास वापस आ गया है। एक बार रिकॉल इलेक्शन हो जाए तो तुझ जैसे नेताओं को वोटर्स अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। नहीं, जोकर के जैसे दिख रहा हूं क्या? कुछ उखाड़ नहीं सकता ये सोच रहा है? उखाड़? मेरा एक बाल भी उखाड़ा ना तो रिकॉल ड्रॉप कर दूंगा। ए, रुक जाए। पागल हो गए हो? मैं बात कर रहा हूं ना। हाँ हाँ, नमस्ते। वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, फोन रख दीजिए। हाँ, कोई जरूरत नहीं है उसकी, रख दीजिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है तू, मैं अपने एक्सपीरियंस का करूंगा। जीतूंगा तो मैं ही, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ओए मंत्री, जनता का कुछ नहीं उखाड़ सकता तू। चलो आओ। वोटर हूं मैं। भाई, प्रचार करने के अलावा टीवी चैनल में क्यों आए हो भाई? गली गली में घूमना ही प्रचार नहीं होता, टीवी में भी दिखाई देना जरूरी है। मैं अभी लाइव इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देना। यूट्यूब, फेसबुक, सभी चैनल्स पर आना चाहिए। ठीक है, सही है ना? हम भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाएंगे। हमारे साथ TV5 स्टूडियो में है भानु शंकर जी, उनके साथ एक बार बात करते हैं। नमस्ते जी, वेलकम टू आवर स्टूडियो। नमस्ते।
ऐसे लाइव शोज में आकर अपने बारे में बातें करना, पब्लिसिटी बढ़ाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अपने बारे में सभी को जानना चाहिए, इसीलिए आया हूँ। एक पर्सनल सवाल है सर, आपकी हॉबीज क्या हैं? लोगों को देना। जिस तरह पेड़ फल देना बंद नहीं करते, मैं भी वही करता रहूंगा। भवानी भाई, मैंने जो अभी बात की है उसे इंटरनेट पर डाल दो। हम क्या डालेंगे भाई, ऑलरेडी किसी ने डाल दिया है। बोलिए भानुशंकर जी, आपने नेता बनने के बारे में क्यों सोचा? मैं काफी पढ़ता था, डॉक्टर बन मैं क्रिकेट अच्छा खेलता, तेंदुलकर बन सकता, पर ये सब कुछ छोड़कर जनता की सेवा करने के लिए पॉलिटिशियन बना। आपकी और हॉबीज क्या है? जनता की हेल्प करना। पेंसिल बॉक्स नहीं है तो कहते तो मैं अपनी पेंसिल बॉक्स दे देता, लंच बॉक्स किसी ने नहीं लाया तो अपना खाना दे दिया करता। दान करके, जनता की सेवा करके इस पोजीशन पर पहुंचा हूं। भानुशंकर जी, आप फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री? अरे रे रे, मुझे पद का बिल्कुल लालच नहीं, पर अगर जनता चाहती है तो मुझे सीएम पीएम कुछ भी बना सकता। फिलहाल जो रिकॉल की बात हो रही है, आप कैसा फील कर रहे हैं? जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं उसी पर लोग पत्थर फेंकते हैं। मेरा भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है, लोग पत्थर फेंकते हैं, इसीलिए इतने सालों से राजनीति मुझे छोड़ती नहीं है और मैं सेवा कर। जिस तरह पेड़ फल देना बंद नहीं करते, मैं भी वही करता रहूं। अरे भाई, फोन मेरा है भाई। ये सब उसी गौतम का काम है, टेक्नोलॉजी से मुझे टॉर्चर कर रहा है। इस रिकॉल इलेक्शन में भानु सरकार हार जाएगी। एग्जिट पोल सर्वे बता रहा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार एक ही है, जिसकी मदद से सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती, और वो है गद्दारी का हथियार। इस हथियार से कई बड़े बड़े साम्राज्य भी टूट गए, कितने बड़े बड़े लोगों को धूल चाटनी पड़ी। 100% सक्सेस रेट वाला हथियार है ये, इसे इस्तेमाल करते हैं। वो देखो, वेपन आ गया। बादशाह सलाम साहब, वोटर कैसा है? इतनी भी ईमानदारी से नहीं जीना चाहिए। इस दुनिया में जो पेड़ सीधे होते हैं सबसे पहले काटे जाते हैं, सच्चाई की राह पर चलने वाले ही मुश्किलों का सामना करते हैं, और आजकल बुरा काम करने वाला ही होता है किंग मेकर। अभी तो विलेंस ट्रेंड कर रहे हैं, तो मैंने सोचा तुझे भी ट्रेंड में ले आता हूं। बस कुछ ही देर की बात है, तुझे मैं विलेन बनाऊंगा। एक बार जरा टीवी देख। भावना के साथ इसने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो गौतम ने इसका वीडियो बनाकर अपलोड किया था, पर सच क्या है पता है? उसको भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि गौतम ही था। अपने आप को फेमस करने के लिए उसका प्लान था, और उसी दिन गौतम के अकाउंट से इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। ये देखिए, आप सबके सामने उसके बैंक का स्टेटमेंट है, आप लोग खुद देखिए। सभी ये सोच रहे होंगे कि गौतम अमेरिका से इंडिया वोट डालने के लिए आए थे, लेकिन उनकी कंपनी के सीईओ आपको असली बात बताने के लिए अमेरिका से लाइव है। गौतम वेंट टू इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंट्री टू नेगोशिएट द डील फॉर सम लैंड इवैल्यूएशन। इनफैक्ट ही वेंट टू अर्न एन एक्स्ट्रा 35% ऑफ कमीशन ऑन द सक्सेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट डील। एंड आई जस्ट रिसीव्ड अ टेक्स्ट फ्रॉम गौतम यस्टरडे that he has successfully completed that transaction. Gautam has great negotiating skills and he's a perfect businessman. Hey Gautam, क्या है ये सब? तू भावना से शादी करके US चला जाना,
और वहां शांति से रह। अगर इस झमेले में तुझे कुछ हो गया तो हम सह नहीं पाएंगे। हमारा डर ही इन नेताओं की शक्ति है माँ। हम डरेंगे तो वो डराते रहेंगे। हिम्मत से काम लेना होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वो भी सेंट्रल मिनिस्टर बनने वाले आप पर, आपको टेंशन हो रही है क्या? पहली बार जब मैं इलेक्शन लड़ा था तब भी टेंशन में नहीं था। किसी भी तरह जीतूंगा, टेंशन किस बात की। देखिए, रिकॉल का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, पर वो एक बुरे पॉलिटिशियन पर लगाया जाता तो बेहतर होता, लेकिन ये मुझ पर लगा है इसीलिए वो लोग हारेंगे। आज के बाद कभी भी मेरे विरोधी मुझ पर उंगली नहीं उठा पाएंगे। नमस्ते। मीडिया से बात करते हुए भानुशंकर को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। गौतम ने ही किडनैप करवाया है ऐसा उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं। पुलिस किडनैपर को ढूंढने में लगी हुई है। डिग्गी भी चेक करो। हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने किडनैप हुए भानुशंकर जी का फुटेज ढूंढ निकाला है। आइए देखते हैं। ए, ए भाई मुझे मत मारो, मैंने क्या गलती की है? मुझे जनता की सेवा करने दो ना। तुमने मुझ पर कीचड़ उछाला और रिकॉल किया, फिर भी मैंने स्वीकार किया ना। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? ये सब क्यों किया भाई? सिंपथी के लिए, रातों रात वोटर का माइंडसेट मेरी तरफ करने के लिए। इलेक्शन के एक रात पहले ही तो असल राजनीति होती है। अब मुझे देखकर, मेरे बदन से बहते खून को देखकर, मुझ पर जिनको गुस्सा था वो सारे वोटर्स मुझे वोट देने आएंगे। और यही है सिंपथी की राजनीति। इन्हीं हथकंडों की वजह से मैं इतने सालों से राज कर रहा हूँ। क्या स्केच है भाई? मुझे पता है कि मेरे वोटर्स इमोशनल फूल्स हैं। वाह, उन्हें कुछ पता नहीं होता। क्या आइडिया है सर। कल जब पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी तो ये वीडियो चलते ही रहेंगे। मेरे लिए सिंपथी बढ़ती रहेगी और मेजोरिटी बढ़ता ही रहेगा। क्यों? सही है भाई, जबरदस्त आइडिया। पर गौतम कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा ना सर? मैं कल तक बाहर आऊंगा ही नहीं। अब जीतने के बाद मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और अभी मैं कहा हूं किसी को पता नहीं है। ऊपर वाला भी मुझे पकड़ नहीं सकता। देना तुम्हारी रगों में ही है। कल पोलिंग स्टार्ट होने से पहले तुझे बाहर लेकर जाऊंगा। तेरे नाटक का पर्दाफाश करके रहूंगा। ए, तू मुझे क्या लेकर जाएगा? खत्म कर दो इसे। Wait!
अबे ऐसे हंस क्यों रहा है? तू अभी मेरे हाथों से मरने वाला है। ए, फोटो मत निकालो। फोटो क्यों निकाल रहे हो? रुको। तूने क्या सोचा राजनीति करनी सिर्फ तुझे आती है? वोटर राजनीति करने पर उतर गया तो तबाह हो जाएगा। हाँ बादशाह, तुझे लगा तेरा आदमी है? आउटडेटेड राजनीति छोड़ दे। अच्छा तुम कई दिनों से कुछ कहना चाहती थी, अब बता सकती हो। I love you. सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर भानु शंकर, जो कि काफी रौबदार मंत्री है, उनका इस तरह से हार जाना भारत देश में पहली बार हुआ है। भारत देश में रिकॉल इलेक्शन एक बड़ा कदम है। श्याम शेखर यहाँ कितने झूठ बोलने वाला है? 50 झूठ बोलूंगा भाई। काफी नहीं होगी भाई, पिछली बार 65 पार किया था। ऊपर से अभी फेसबुक पर कितने शेयर करने होंगे उन्हें। सभी भाइयों को नमस्ते। अगर आप लोग मुझे जिताएंगे ना तो आपको क्या क्या दूंगा पता है? आपको आश्चर्य होने तक मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? ओ, 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 कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मैं क्या करने वाला हूँ पहले सोच लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगा।